नमस्कार, एएनबी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं नवीन पांडे। इंडिया गठबंधन के पाले से एनडीए की तरफ पलट गए बिहार के सीएम नीतीश कुमार के लिए अग्नि परीक्षा की घड़ी आ गई है। मामूली बहुमत के सहारे फ्लोर टेस्ट पास करने की तगड़ी चुनौती, पास करने का समय बिल्कुल पास आ गया है। बिहार में दोनों ही पालों में जबरदस्त हलचल है। पटना में जहां लालू यादव खेमा पूरी तैयारी कर रहा है कि नीतीश सरकार गिर जाए, वहीं बीजेपी पूरी मजबूती के साथ नीतीश के साथ खड़ी है। विधायकों के टूटने का इतना ज्यादा डर है कि आरजेडी की बैठक के बाद तेजस्वी यादव ने अपने विधायकों को अपने ही आवास पर रुकने की व्यवस्था कर दी है। उधर कांग्रेस के विधायक भी हैदराबाद से पहुंच गए हैं। खबर है फ्लोर टेस्ट तक सभी विधायक तेजस्वी के आवास पर रुकेंगे, लेकिन कांग्रेस विधायक होटल में रुकेंगे। उधर नीतीश के मंत्री विजय चौधरी घर पर जेडीयू विधायकों के डिनर बैठक का आयोजन किया गया था, लेकिन बड़ा खेला हो गया, चार विधायक गायब हो गए। इन सब के बीच बड़ा सवाल यह है, बिहार में नीतीश का फ्लोर टेस्ट इंडिया गठबंधन बनाम एनडीए के बीच भी शक्ति परीक्षण है। अगर नीतीश सरकार बहुमत साबित नहीं कर पाई तो यह कहीं ना कहीं मोदी सरकार के लिए भी बड़ा झटका साबित हो सकता है। इंडिया गठबंधन की बात करें तो बुरी खबरें आने का सिलसिला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। आज आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस को सीट शेयरिंग पर घेर लिया। सीट शेयरिंग में देरी के बहाने उन्होंने दिल्ली के सभी 7 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर दिया। यानी कांग्रेस के लिए कहे तो झटके पर झटके। इन्हीं सब मुद्दों पर बात करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े होंगे, उनसे चर्चा करेंगे। उससे पहले देख लेते हैं किसने क्या कुछ कहा। देखिए, डरे सहमे लोग हैं, वो भयभीत हैं कि मेरा विधायक खुट्टा उखाड़ कर करके भाग जाएगा, क्योंकि वो वंशवादी भ्रष्टाचारी की जमात में रहना नहीं चाहता, उब चुका है। और इस मानसिकता के लोग बंधुआ मजदूर के तरह विधायकों को बांध करके रखने का ये प्रयास लोकतंत्र को कमजोर करता है। अरे, विधायक पर विश्वास करना चाहिए, विधायक के मान सम्मान को बढ़ाना चाहिए। ये क्या तरीका है? और भारतीय जनता पार्टी हमेशा विधायिका, विधायक और संविधान का सम्मान करता है। नहीं, रहेंगे हमारे संपर्क में है, हमारे संपर्क के विश्वास वो सदन के सामने रखेंगे, फिर दोनों तरफ से मुख्यमंत्री प्रस्ताव पेश करेंगे। एनडीए के सारे लोग एकजुट हैं और तेजस्वी जी को कल पता चलेगा, वो अपना घर देखें, अपना घर बचाए, कल एनडीए बहुमत हासिल करेगी। राजद ने अपने सारे विधायकों को भाकपा माले के साथ तेजस्वी के आवास पे कल से ही बैठा दिया है। देखिए, उनको अपने विधायकों पर भरोसा नहीं है और इसलिए ऐसा कर रहे हैं। देखिए, तेजस्वी जी को भ्रम है, अपना घर संभाले, उनको अपने घर के लोगों पर भरोसा नहीं है, अपने विधायकों पर भरोसा नहीं है। और एनडीए के लोग एकजुट हैं और एनडीए के जो हमारे माननीय विधायक हैं सारे के सारे नीति सिद्धांतों से बंधे हुए हैं, और विरोधी का तो काम है आरोप लगाना, कुछ कुछ कहना। विधायक कह रहे हैं कि गायब है। कोई गायब नहीं है भाई, मैं कह रहा हूँ ना, कोई गायब नहीं है। कांग्रेस के विधायक एक सप्ताह पहले ही गायब हो गए। तो कांग्रेस के विधायक एक सप्ताह पहले गायब हो गए, एनडीए के विधायक तो देखिए सारे के सारे एकजुट होकर एक जगह। अरे क्या बोलेंगे, वो कल पता चलेगा। मैं कह दूं, अभी समय नोट कीजिए भाई, कितना टाइम हुआ नोट करो भाई। अभी मैं बोल रहा हूँ, 3:00 हुआ है, कल फ्लोर पर पता चल जाएगा तेजस्वी जी को कि उनका क्या हश्र होने वाला है। पराजय, यही होगा तेजस्वी जी का और महागठबंधन का हाल। और विजय, आप देख रहे हैं ना क्या क्या खुशनुमा मौसम है। बिहार की जनता नीतीश जी के नेतृत्व में अच्छी सी सरकार चलने वाली इस उम्मीद के साथ है, और यही पूरा होगा। कल अग्नि परीक्षा है नीतीश कुमार की, क्या कुछ होगा, क्या खेला हो जाएगा। नीतीश कुमार लगातार कह रहे थे खेला होगा, खेला करने की पूरी तैयारी दोनों तरफ से चल रही है। कई विधायक मीटिंगों से गायब हैं, इस पर चर्चा करेंगे। क्या होगा इंडिया गठबंधन का भविष्य? हमारे साथ कुछ खास मेहमान मौजूद होंगे, उनके पास चलेंगे, उनसे बात करेंगे।
तो चर्चा में आगे बढ़ने से पहले वक्त छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सैनिकों के कल्याण के लिए हर वक्त तत्पर है उत्तराखंड सरकार। पूर्व सैनिकों को राज्य सरकार की सेवाओं में दिया गया है क्षैतिज आरक्षण। शहीद सैनिकों के परिजनों को सरकारी सेवाओं में सेवायोजन में वरीयता देने का किया गया है प्रावधान। शहीदों की पत्नियों और उनके आश्रितों के पुनर्वास के लिए दिया जा रहा है कौशल वृद्धि एवं रोजगार परक निःशुल्क प्रशिक्षण। युद्ध में घायल सैनिकों और परिजनों को एक मुश्त दी जा रही है 2,00,000 रुपए की सहायता। विभिन्न युद्धों और आंतरिक सुरक्षा व सीमांत झड़पों में शहीद सैनिकों के आश्रितों को उत्तराखंड शहीद कोष से दी जा रही है 1,10,00,000 रुपए की धनराशि। उत्तराखंड बन गया है वीर सैनिकों को सबसे अधिक अनुदान देने वाला राज्य। उत्तराखंड के वीरों का देश के लिए शहादत में बड़ा योगदान रहा है। ये वीरों की भूमि है। हम शहीदों के परिजनों के लिए हर सुविधा देने के लिए कटिबद्ध हैं, संकल्पबद्ध हैं। सरकार से मिले सम्मान और सुविधाओं से लेकर सैनिक हैं बेहद खुश। राज्य सरकार पूर्व सैनिकों के लिए अनेक सी योजनाएं संचालित कर रही हैं, जिसमें कि गृह कर में छूट, स्टाम्प ड्यूटी में छूट, स्कॉलरशिप में छूट और राज्य दिन सेवाओं में आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है। उत्तराखंड सरकार अपने रणबांकुरों की याद में उत्तराखंड में 5वें धाम के रूप में बनाने जा रही है सैन्य धाम। सैन्य धाम निर्माण के लिए शहीदों के आंगन से लाई गई मिट्टी को सैन्य धाम में बनने वाली अमर जवान ज्योति की नींव में रखा गया है। देव भूमि के साथ ही वीर भूमि भी है उत्तराखंड। सैनिकों का सम्मान है देश का सम्मान। मोदी शाह की दहाड़। मोदी ने देश को गारंटी दी है। राहुल गांधी खड़गे का पलटवार। और हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। केजरीवाल भगवंत मान का कमाल। किसी सरकार ने नहीं करा। योगी धामी का धमाल। हर भारतवासी का मन अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति करता हुआ दिखाई देता है। खट्टर जी कितने बेमिसाल। 4 महीने बाद वही हैट्रिक हरियाणा में भी लगनी है। ANB नेशनल चैनल पर सबकी पड़ताल। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से मैं जितेंद्र सिंह। हिमाचल की राजधानी शिमला से ANB न्यूज के लिए मैं टीना ठाकुर। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से ANP न्यूज के लिए मैं विनीत श्रीवास्तव। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से मैं अखिलेश तिवारी राजपूत। देवभूमि उत्तराखंड से मैं अमित चौधरी। राजनांदगांव वाराणसी चंबा अमेठी नगर से ANB न्यूज के लिए मैं सत्यम गोस्वामी। सबसे बड़ा नेटवर्क ANB न्यूज। शाह की दहाड़। मोदी ने देश को गारंटी दी है। राहुल गांधी खड़गे का पलटवार। और हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। केजरीवाल भगवंत मान का कमाल। किसी सरकार ने नहीं करा। योगी धामी का धमाल। हर भारतवासी का मन अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति करता हुआ दिखाई देता है। खट्टर जी कितने बेमिसाल। 4 महीने बाद वही हैट्रिक हरियाणा में भी लगनी है। ANB नेशनल चैनल पर सबकी पड़ताल। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से मैं जितेंद्र सिंह। हिमाचल की राजधानी शिमला से ANB न्यूज के लिए मैं टीना ठाकुर। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से ANP न्यूज के लिए मैं विनीत श्रीवास्तव। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से मैं अखिलेश तिवारी राजपूत। देवभूमि उत्तराखंड से मैं अमित चौधरी। राजनांदगांव वाराणसी अमेठी नगर से ANB न्यूज के लिए मैं सत्यम गोस्वामी। सबसे बड़ा नेटवर्क ANB न्यूज।
सत्ता की दहाड़। मोदी ने देश को गारंटी दी है। राहुल गांधी खड़गे का पलटवार। और हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। केजरीवाल भगवंत मान का कमाल। किसी सरकार ने नहीं करा। योगी धामी का धमाल। हर भारतवासी का मन अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति करता हुआ दिखाई देता है। खट्टर जी कितने बेमिसाल। 4 महीने बाद वही हैट्रिक हरियाणा में भी लगनी है। ANB नेशनल चैनल पर सबकी पड़ताल। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से मैं जितेंद्र सिंह, हिमाचल की राजधानी शिमला से ANB न्यूज के लिए मैं टीना ठाकुर, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से ANP न्यूज के लिए मैं विनीत श्रीवास्तव, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से मैं अखिलेश तिवारी राजपूत, देवभूमि उत्तराखंड से मैं अमित चौधरी, राजनांदगांव वाराणसी, चंबा हरिद्वार अमेठी फरोजाबाद क्षेत्र को मीपुर कानपुर नगर से ANB न्यूज के लिए मैं सत्यम गोस्वामी। सबसे बड़ा नेटवर्क ANB न्यूज। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁੱਤ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਲਿਆਏ ਹਨ ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਦੇ ਦੁਆਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਕਰਨਗੇ ਹੱਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ जिस तहत पंजाब सरकार सारे पिंडां दे विच सरकार तुहाडे द्वार अधीन लोक सेवा कैंप लगाउण जा रही है। इना कैंपां दे विच पंजाबियां नूं जन्म ते मौत सर्टिफिकेट, बिजली दे बिल दी अदायगी, ड्राइविंग लाइसेंस, जाति ते पेंशन सर्टिफिकेट आदि वर्गियां सेवावां दा लाभ मौके ते ही दित्ता जावेगा। शहीद आजम सरदार भगत सिंह होरां जी दे ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਗੇੜੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਖੁਦ ਚੱਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਉਣ। ਸੋ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪ ਦੇ ਦੁਆਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹਨਾਂ ਕੈਂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲਓ। ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲਖਨਊ ਸੇ ਮੈਂ ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ, ਹਿਮਾਚਲ ਕੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸ਼ਿਮਲਾ ਸੇ ANB ਨਿਊਜ਼ ਕੇ ਲੀਏ ਮੈਂ ਟੀਨਾ ਠਾਕੁਰ, ਮਧ੍ਯ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਭੋਪਾਲ ਸੇ ANB ਨਿਊਜ਼ ਕੇ ਲੀਏ ਮੈਂ ਵਿਨੀਤ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਕੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਰਾਏਪੁਰ ਸੇ ਮੈਂ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਤਿਵਾਰੀ ਰਾਜਪੂਤ, ਦੇਵਭੂਮਿ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸੇ ਮੈਂ ਅਮਿਤ ਚੌਧਰੀ, ਰਾਜਨਾਂਦਗਾਂ ਵਾਰਾਣਸੀ, ਚੰਬਾ ਹਰਿਦਵਾਰ। और ब्रेक के बाद राजधर्म में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो बिहार में नीतीश सरकार का कल फ्लोर टेस्ट होना है, उसके पहले लगातार लॉयल्टी टेस्ट हो रहे हैं। हर खेमे से विधायक को गए के गायब होने का सिलसिला चल रहा है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं जिनसे चर्चा करेंगे। इंडिया गठबंधन बनाम इंडिया, कैप्टन आय सिंह भदौरिया साहब प्रवक्ता BJP, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राज शर्मा जी कांग्रेस के प्रवक्ता, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मनोज लाल मनु साहब JDU के प्रवक्ता, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मनोज लाल मनु साहब, जिस तरह से लगातार लॉयल्टी टेस्ट हो रहे हैं, विधायक गायब हो रहे हैं मीटिंगों से, बीमा भारती, संजीव सिंह, दिलीप राय, सुदर्शन, 4 विधायक गायब हैं JDU से, एक BJP की रश्मि वर्मा नहीं पहुंची, कैसे बचेगी सरकार, क्या होगा कल? देखिए नवीन जी, कोई विधायक गायब नहीं है, थोड़ा सा इन लोगों को खुशी हो जाने दे दीजिए, खुशी हो जाएंगे। कल सारे लोग समय पर वहां मौजूद रहेंगे, सभी विधायक अपने अपने नेतृत्व के साथ बातचीत में लगे हुए हैं,
इसीलिए कुछ ऐसा नहीं है कि जो विधायक आज नहीं पहुंचे, कल नहीं पहुंचे, कल की संख्या कुछ और थी, अपने अपने काम से लोग लगे, आज भी उसमें बढ़ोतरी हुई, कल पूरी तरह से बढ़ोतरी होगा। ये नीतीश जी का कोई फ्लोरिंग टेस्ट नहीं है, ये तो उन लोगों का टेस्ट है जो विधायकों को अपने अपने रूम में कब्जा करके रख रहे हैं, जो उनको बसों में भर कर भेजे जा रहे हैं, हवाई जहाज से दूसरे प्रदेशों में रख रहे हैं, उनका टेस्ट है। अब वह कितनी सफलता प्राप्त कर लेते हैं ये तो उनके निर्भर है। और नवीन जी, हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि कल सरकार को कहीं से भी रति भर का कोई संदेह नहीं है, हम पूरी तरह से विश्वास मत हमको हासिल करना है, हम समय पर विश्वास मत हासिल कर लेंगे, पूरी तरह से नवीन जी आप निश्चित रहे। कल का इंतजार करें, इन जिन लोगों के मुंह पर थोड़ी सी अभी मक्खन लगी हुई है, थोड़ा सा उन्हें चाट लेने दें, बाकी कल हमारे सारे विधायक एकजुट है और समय पर वहां पर उपस्थित रहेंगे। ठीक है मनोज लाल मनु साहब, आप तो प्रवक्ता है, आपका धर्म है पार्टी की रक्षा करना और अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाना, लेकिन ये भी सच्चाई है कि चार चार विधायक न कल की बैठक में पहुंचे थे, न श्रवण कुमार जी के यहाँ जो भोज था न वहाँ पहुंचे, न आज पहुंचे, तो इस तरह सवाल तो खड़े होंगे ही। केवल 6 विधायक ज़्यादा है, 122 का बहुमत है, 128 आपके गठबंधन में है, तेजस्वी लगातार बोल रहे हैं खेला होगा। मैं उस टाइप का व्यक्ति नहीं हूँ कि सच्चाई से मुख मारूं। कल 5 नहीं थे, कल 6 विधायक कल उपस्थित थे, उसमें 2 विधायक अभी पहुंच गए और 2 विधायक रास्ते में है और 2 विधायक कल फ्लोर टेस्ट पर उपस्थित रहेंगे, आप निश्चिंत रहिए। चलिए ठीक है, हम निश्चिंत हैं। राज शर्मा साहब, बहुत कोशिश कर रहे हैं आप लोग, क्या होगा? अभी हमारे जेडीयू के प्रवक्ता जी बहुत अच्छी बात बोली इन्होंने, मैं इनकी बात से इत्तेफाक रखता हूँ कि कल का फ्लोर टेस्ट नीतीश कुमार जी का नहीं, बिल्कुल सही कहा, अगर फ्लोर टेस्ट है तो वफादारी का और गद्दारी का, और मुझे लगता है कि कल वफादारी जी हारेगी, और वैसे भी नीतीश कुमार जी की वहां पे भारतीय जनता पार्टी में जाके हैसियत ही क्या रह गई। आप ये बताइए क्या देना जा रहे हो आज समाज को? लोग कहते हैं प्राण जाए पर वचन न जाए, मैं दोनों तरफ की बात करता हूं। भारतीय जनता पार्टी में उनके गृह मंत्री जी ने कहा था दरवाजे बंद हो गए, और नीतीश जी ने कहा था मुझे मरना कबूल है, मैं नहीं जाऊंगा। आखिर क्या लालच है यार, बहुत कमा लिया आप लोगों ने, क्या करोगे बताइए? सीट पे चिपके रहोगे? आने वाले टाइम पे क्या होगा? लोग वहां पे कपूर ठाकुर जी का नाम लेते हैं, कहते कि चीफ मिनिस्टर होने के बाद भी वहां पे वो झोपड़पट्टी में रहते थे, मतलब झोपड़पट्टी मतलब साधारण घर पे रहते थे। जेडीयू के प्रवक्ता जी, मुझे एक बात का जवाब दे दीजिए, आपके 4 विधायक गायब है, मैं उनको गायब भी नहीं कहता, क्षमा चाहता हूं, क्योंकि वो विधायक हैं, 5 लाख जनता के प्रतिनिधित्व करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, आप कैसे बोल देते हो आ रहे हैं जा रहे हैं, क्या मतलब है आप लोगों का? आप लोगों ने विधायकों को लूट लिया, जिन विधायकों को देश ने प्रदेश की जनता ने चुनकर भेजा आपने उन्हें लूट लिया। आखिर मुझे यह बताइए आप, नीतीश कुमार जी को क्या लालच थी जो वे एनडीए गठबंधन में गए, क्या लालच थी? लेकिन राज शर्मा साहब, नौनियालों को जवाब दीजिए आप। राज शर्मा साहब, आप जिस तरह सवाल उठा रहे हैं, तेजस्वी यादव ने भी तो अपने घर में रोक कर रखा हुआ है, आपने भी हैदराबाद विधायक भेजे, वहां से बुलाए, होटल में रखे, आपको भी तो कहीं ना कहीं डर है ना कि हमारे विधायक टूट जाएंगे। मैं बात करूं भाई, परात में फूफा जी चले, हमें क्या पता था कि फूफा जी भी लूट लेंगे, या धूला ये सोच ले कि मैं फूफा जी के सामने गहने ना पहनूं वो लूट लेंगे। मुझे भाई एक बात का जवाब जेडीयू के प्रवक्ता जी से चाहिए, आखिर ऐसा क्या लालच हुआ उन्हें? नीतीश जी को तो सब इज्जत मिल रही थी भाई, क्या क्या हुआ? देश की और प्रदेश की जनता सब देख रही है, आखिर उन्हें किस बात का लालच था? अपनी बात को टाल दे रहे हो। एक बात याद रखना,
गरीब सा गरीब इंसान कहता है भूखा मर जाऊंगा मगर लूटूंगा नहीं किसी को। नीतीश कुमार जी तो सब कुछ थे। मैं किसी भारतीय जनता पार्टी के तो कोई कैरेक्टर है ही नहीं, उनकी क्रेडिबिलिटी तो है ही नहीं भाई। आप जिस गठबंधन के दूल्हा बने थे, जिस गठबंधन के मसीहा बने थे, उसे ही लूटना चाह, कितनी बदनसीबी होगी ये भाई। बात सत्ता आएंगी सत्ता जाएंगी, ये अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने कहा था, सत्ता आएंगी सत्ता जाएंगी, लेकिन इतिहास में एक चीज लिखा जाएगा, कौन गद्दार था कौन वफादार था। जब जंगल में आग लगी थी शेर भाग गए थे, चिड़िया चोंच से आग को बुझा रही थी तो शेरों ने ताना कसा था चिड़िया के लिए, तो चिड़िया ने एक बात कहा था, ए शेर मैं आग बुझा पाऊं या ना बुझा पाऊं, लेकिन जब भी जंगल की आग की बात चलेगी तो मेरी आग बुझाने में चलेगी और नीतीश कुमार की आग लगाने में चलेगी। ठीक है राजशर्मा, ठीक है मैं जवाब लूंगा, लेकिन छोटा सा ब्रेक का वक्त आ गया है, ब्रेक के बाद लौटेंगे चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। पंजाबियों की शान पंजाब का पुत भगवंत मान लियाए हन आप दी सरकार आप दे द्वार, सरकारी अधिकारी तुहाडे पिंड आके तुहाडियां मुश्किलां दा करनगे हल। सरकारी सेवावां नूं पंजाबियां दे घर घर पहुंचाउण दे उद्देश दे नाल मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान दे वल्लों सरकार तुहाडे द्वार स्कीम दी शुरुआत कीती गई है, जिस तहत पंजाब सरकार सारे पिंडां दे विच सरकार तुहाडे द्वार अधीन लोक सेवा कैंप लगाउण जा रही है। इन्हां कैंपां दे विच पंजाबियां नूं जन्म ते मौत सर्टिफिकेट, बिजली दे बिल दी अदायगी, ड्राइविंग लाइसेंस, जाति ते पेंशन सर्टिफिकेट आदि वर्गियां सेवावां दा लाभ मौके ते ही दित्ता जाएगा। शहीद आजम सरदार भगत सिंह होरां जी दे सुपनिया नूं साकार करन लई पंजाब सरकार ने फैसला कीता कि पंजाब दे लोकां नूं सरकारी दफ्तरां दे गेड़े नहीं कढ़ने पैणगे, सरकारी दफ्तर खुद चल के तुहाडे घर आउणगे। सो पंजाबियों तुहाडी आप दी सरकार हुण तुहाडे आप दे द्वार आ रही है, वध तो वध इन्हां कैंपां दे विच शमूलियत करके सरकारी सेवावां दा लाहा लो, रंगला पंजाब दा सुपना सच करके दिखाया। पंजाब दे पुत भगवंत सिंह मान ने सरकारी सेवावां नूं घर घर पहुंचाया। और ब्रेक के बाद राजधर्म आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो बिहार के सियासत में बहुत अग्नि परीक्षा की घड़ी है, कल नीतीश सरकार का फ्लोर टेस्ट होना है, इसी के साथ इंडिया गठबंधन बनाम एनडीए का भी टेस्ट है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, कैप्टन नायक सिंह भदौरिया साहब, बीजेपी के प्रवक्ता राज शर्मा जी, कांग्रेस के प्रवक्ता मनोज लाल मनु जी, जेडीयू के प्रवक्ता डॉक्टर अजय तिवारी जी, राजनीतिक विश्लेषक। कैप्टन नायक सिंह भदौरिया साहब, डरे हुए आप लोग भी हैं, नीतीश सरकार को बचाना है, 9 विधायक गायब हो चुके जेडीयू के, आपने लीगल टीम राजभवन में बदल दी है, बहुत दहशत फैली हुई पटना में इस समय। देखिए नवीन जी, हमारे गठबंधन के चाहे जेडीयू हो या अन्य हो या भारतीय जनता पार्टी के विधायक हो, कोई कहीं भी हमारे सब हमारे संपर्क में है, कोई गायब नहीं है, बाकी सब आपने देखा है वहां वर्ग में गए हुए हैं, वहां वर्क कर रहे हैं और सब संपर्क में है, हमने किसी को छुपा के नहीं रखा है, सब अपने अपने स्वतंत्र है। गया तो ले गए थे आप सारे विधायकों को, जरूर गया ले गए थे ना, गया पटना से कर रहे हैं, वहां हमने छुपाया नहीं, बिहार के बिहार में ही है, योगा कर रहे, गया तो एक धार्मिक स्थल जगह है, सांस्कृतिक जगह है, जहाँ योगा के लिए वो गए। अच्छा, योगा कर रहे थे, योगा अच्छी बात है, छुपाया नहीं, आप के भोगी हो जाओगे भदौरिया शर्मा जी, आप कैसा सैनिक अगर झूठ बोले, हमने अरे योगा कर रहे थे, उन्हें योगा कौन करा रहा था, नहीं रखा है रामदेव राज शर्मा जी बोल लीजिए, हमने सबको अपनी मर्जी पे छोड़ा हुआ है कि जिसे योगा करना है वो योगा करे, नहीं करना है अपने घर पे रुके। लेकिन भदौरिया कैप्टन साहब रश्मि वर्मा विधायक हैं, वो नहीं पहुंची जबकि अमित शाह जी का संबोधन चल रहा था वर्चुअल,
उसके बाद भी कोई विधायक गायब हो जाए, ये छोटी बात नहीं है? नहीं नहीं देखो नवीन जी, कोई गायब नहीं है, सब संपर्क में है, कुछ अपनी प्रॉब्लम हो जाती है जिसकी वजह से नहीं पहुंच पाते, बाकी सब हमारे संपर्क में है, सबके सबके कॉल पे बातचीत हो रही है, कहीं कोई गया नहीं है। इस बात को बिल्कुल कहना मैं तो ये गलत समझूंगा कि कहीं कोई गया है, और कल आप देखना सब वहाँ फ्लोर टेस्ट में सब नजर आएंगे, और फ्लोर टेस्ट इनका हो रहा है, हमारा नहीं हो रहा है, हम तो है ही बहुमत में हर तरह से, हमारे साथ 128 विधायक है, हमें कहाँ कमी है, ये तो इनको डर है, इसलिए इन्होंने अपने विधायक, देखो तेजस्वी ने घर में ताला लगा दिया है, कांग्रेस ने इनको बिहार से बाहर ही हैदराबाद भेज दिया, तो डर इनको है, क्योंकि इनके विधायक ही बिकाऊ और भगोड़े टाइप होते हैं। हमारे बीजेपी का गठबंधन का विधायक आज दिन तक आपने सुना होगा कोई कभी भागा नहीं है, कभी जो है ना बिका नहीं है, अब ये कहते हैं कि विधायक खरीद लिए तो इनके बिकाऊ होते हैं तो बिक जाते हैं, हमारे यहाँ ना तो कोई बिकाऊ है और ना कोई उन्हें खरीद सकता है। ठीक है, बोले बोले राज शर्मा जी, बोले जवाब दीजिए। जी रवि जी, मैं एक बात कह रहा हूँ, भदौरिया जी ने जैसे कहा कि एक शायद मुझे लग रहा है भदौरिया जी को ज्ञान नहीं है, फ्लोर टेस्ट विपक्ष का नहीं होता, फ्लोर टेस्ट जो मुख्यमंत्री का दावेदार होता है उसका होता है। और दूसरी बात, एक बात कहना चाहता हूं, निश्चित रूप से जानिए कि हमें विपक्ष को अपने विधायकों को सुरक्षित रखना है, क्योंकि आप लोग गुंडे हो, आप लोग डकैत हो, आप लोग सैया भाई कोतवाल तो डर काहे का। अभी आपने एक और बात कही कि विपक्ष के विधायक जैसे बिकाऊ नहीं है, भदौरिया जी एक और बात याद रखना, विधायक विधायक होता है, 5 लाख 4 लाख जनता का प्रतिनिधित्व करता है, रिप्रेजेंटेटिव होता है। आप लोग इतने घमंडी कैसे हो गए? चिंदी गठबंधन, आप चिंदी गठबंधन इतना गलत शब्द उपयोग करोगे जनता के द्वारा चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव को, इतना गंदी हरकत मैंने तो नहीं सोची थी, ना सन 2014 में किसी देश की जनता ने सोची थी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे तो गुंडा तक तो हावी हो जाएगा। आपको एक चीज मैं कहना चाहता हूं भदौरिया जी, भिंड बुराना में बदमाशों की फिर इज्जत थी, वो लोग अपने दुश्मन बदमाशों की, जिनसे उनकी विचारधारा नहीं मिलती थी, उनकी बेटी या उनकी मां को या उनके पिताजी को, बुजुर्ग पिताजी को या छोटे बच्चे पे आक्रमण नहीं करते। ठीक है राज शर्मा जी, आप कहीं और चले गए, ठीक है ठीक है, वो ऐसा कुछ नहीं कह रहे हैं, उनका कहने का मतलब कुछ और था। ठीक है डॉक्टर अजय तिवारी साहब, डॉक्टर अजय तिवारी साहब, जिस तरह से बिहार में लगातार लॉयल्टी टेस्ट हो रहा है, बिहार की सियासत किस दौर में जाती दिखाई दे रही है, क्या इंडिया गठबंधन बचेगा बिखरेगा या एनडीए की परीक्षा है ये? पांडे साहब, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से भारत देश के 140 करोड़ जनता को सादर सादर प्रणाम करता हूँ और भारत देश के प्रत्येक राज्य में लगभग 1 करोड़ से लेकर 13 करोड़ तक रहने वाले प्रवासियों को प्रणाम करता हूँ। क्या नीतीश कुमार बात करेंगे, ये क्या अमित शाह बात करेंगे, ये वो अमित शाह भारतीय जनता पार्टी के जो मनीष चिल्ला के बोलते थे कि कुछ भी हो जाए नीतीश कुमार को हम कभी नहीं लेंगे, और वो नीतीश कुमार हम मर जाएंगे और उनके साथ नहीं जाएंगे। शर्म नहीं आती है राजनीतिक पार्टी व्यक्तियों के नेताओं को? शर्म नहीं आती है उन नेताओं को जिन्होंने भारत देश के लोकतंत्र की जनता से वोट लेकर राज्य मंत्री, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री बनने का काम किया है? ऐसे नेताओं को चुल्लू भर पानी में डूब के मत जाना चाहिए। अजय जी, ये सब बातें तो बोल चुके हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, कांग्रेस प्रवक्ता बोल चुके हैं, आप ये बताइए कि बिहार में कल क्या होगा? सबसे पहले जो है विधानसभा जो अध्यक्ष है उनके खिलाफ विश्वास प्रस्ताव लेके आएंगे, आपको लगता है पारित हो जाएगा वो? निश्चित तौर से पारित होना चाहिए। नीतीश कुमार की पार्टी अब धराशायी हो चुकी है,
नीतीश कुमार को बिहार की जनता ने गद्दार घोषित कर दिया है। नीतीश कुमार के वो बिहार की जनता ने पलटू बाज घोषित कर दिया है। और नीतीश अभी तो आप कह रहे थे पास हो जाना चाहिए, अभी तो कह रहे थे कि पास हो जाना चाहिए, पास होगा तो फिर जीत जाएंगे नीतीश जी। मैं आदरणीय पांडे जी नाम से फिर से कह रहा हूँ, अरे भाई जे डी के प्रोफेसर जी बोलने दिया करो यार, आज कैसे बन दो बोलने दिया करिए, आप अपनी अपनी बारी का इंतजार करिए। ठीक है बोलने दीजिए बोलने दीजिए। मनोज जी, मनोज जी मैं आ रहा हूँ आपके पास। सोनिया गांधी को संसद में, मनोज जी संसद में क्या क्या ने कहा, मनोज लाल मनोज जी मैं आपके पास आ रहा हूँ मनोज लाल मनोज जी नहीं निकलेगा, ये सब गुंडा है गुंडा, लालू यादव का एक और ये गुंडा है, ये राजनीतिक विश्लेषक है, इसको विश्लेषण करने आता है, ये तो लालू का मनुष्य पड़ता है, कांग्रेस के प्रकाश यहाँ पर बैठा हुआ है, ये शरण बच्चा को सोनिया जी का नाम लेकर एक महिला के लिए नाम देते हो आप, कैसे किसी व्यक्ति का टिप्पणी का जगह नहीं है शो में, व्यक्ति का टिप्पणी मत करिए मनोज जी, मनोज जी ये मनोज जी बदतमीज है भाई साहब, ये बदतमीज है, इनको इनके कान की आवाज बंद हो चुकी है, ये बहरे हो चुके हैं, ये गद्दार हैं, बिहार को बेच रहे हैं, देश को बेचना चाहते हैं, ये गुलाम है। मुझे तो लग रहा है नीतीश जी ने कुछ गड़बड़ जाला की है, नीतीश जी ने गड़बड़ जाला किया, क्या डर था सुशासन के नाम से सुशासन करते थे, वो तो अच्छा हुआ तेजस्वी का जो शिक्षक भर्ती करवा दी। राज शर्मा जी एक करके बोलिए, राज शर्मा जी एक करके बोलिए, अपनी बात करके चले लीजिए फिर बोलिएगा, झूठ बोलना चाहिए क्या मनु जी से सवाल पूछना चाहता हूँ मेरे सवाल का जवाब दे देना मनु जी मुझे सवाल का जवाब चाहिए। ठीक है आप लोग सब एक साथ बोलेंगे तो कैसे चर्चा आगे बढ़ेगी, मैं एक ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद लौटेंगे चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। पंजाब देश का पहला सूबा बन जा रहा है, जिस सूबे को सड़कां ते एक्सीडेंट सड़कां ते कोई होर किस्म के क्राइम नू रोकण वास्ते अलग फोर्स बनाई जा रही है, SSF सड़क सुरक्षा फोर्स। हर 30 किलोमीटर बाद एक गड्डी थानू आउंदी है जांदी मिलूगी, कोई ट्रक खड़ा खराब होया उनू पुल करके उनू खिंच के साइड से कर दिया जाऊगा, क्योंकि गड्डिया इन तकड़िया ने, दुबई की पुलिस को गड्डिया टोयोटा हिलक्स कंप्यूटर फिट है सारे, इंपैलन जे हस्पताल ने ट्रोमा सेंटर ने उन्होंने अटैच है हर गड्डी। इस बार SSF करके किनिया मौत घट गई, हर महीने का डाटा दिया करांगे, जे 50% भी घटा लिया 3000 बंदे की जान बच जूगी जी, 3000 बंदे की, आपां पंजाब नूं सब तो सेफेस्ट स्टेट बनाउणा है। और ब्रेक के बाद राजधर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो बिहार की राजनीति में उबाल आया हुआ है, कल नीतीश सरकार को फ्लोर टेस्ट देना है, उससे पहले लगातार विधायकों के पाला बदलने का सिलसिले खबरें आ रही हैं, लगातार दावा किया जा रहा है जेडीयू के विधायकों के गायब होने का दावा है, तो तेजस्वी यादव के घर से भी दो विधायक चले गए हैं, कोई कहीं जा रहा है कोई कहीं जा रहा है, बीजेपी के विधायक गया ले जाए गए, कांग्रेस के विधायक हैदराबाद ले जाए गए, सब लौट के आ गए हैं, कल के फ्लोर टेस्ट की तैयारी चल रही है, बहुत जबरदस्त सियासी हलचल है। इस समय हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, कैप्टन आनंद सिंह भदौरिया साहब, प्रवक्ता बीजेपी के राज शर्मा जी, प्रवक्ता कांग्रेस के मनोज लाल मनु जी, कांग्रेस के प्रवक्ता जेडीयू
डॉक्टर अजय तिवारी जी, राजनीतिक विशेषज्ञ, लेकिन एक जवाब आपसे रिक्वेस्ट है, सभी लोगों से एक एक करके बोलिए, वरना क्या होगा, आपकी आवाज सुनाई देगी नहीं, कोई फायदा नहीं होगा, आप जिन लोगों तक तो अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं वहां तक नहीं पहुंच पाएगी। मनोज लाल मनु जी, आपके पास ही आ रहा हूं। मनोज लाल मनु जी, आराम से बोलिएगा, जवाब दीजिएगा। राज शर्मा जी, उनको बोलने दीजिए, राज शर्मा जी, फिर उसका जवाब कर रहा है, कहिए ठीक से बोलेगा, विषय पर बोलेगा। राज शर्मा जी विषय बोलेंगे, आराम से बोलेंगे, बहस में बहुत टाइम है, सबको समय मिलेगा, ठीक है। मनोज लाल मनु जी, जिस तरह से डॉक्टर अजय तिवारी ने सवाल उठाए, उन पे कुछ कहना चाहते थे आप जो है, बोलिए। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, चुप रहेगा, मौज मत दिखा। राज शर्मा जी, इसके बाद बोलिएगा आप, इसके बाद बोलिए, इसके बाद ही हम नहीं बोलते, ठीक है। मनोज जी बोलिए, 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 नहीं बोलेगा, ठीक है। मनोज जी नहीं बोलेंगे, ठीक है, ये सब देखा हुआ है, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करेंगे, सही है, बोलिए। बोले मनोज जी, बोलिए मनोज भाई, थोड़ा आपका हो गया हार्ट अटैक, चार गो विधायक भाग गया, हार्ट अटैक तो हो गया, जाके पूछो ना अखिलेश शर्मा से, नील में दारू पी के सोया हुआ, इतना गुस्सा सही नहीं है, ठीक है। राज शर्मा जी, ठीक है, राज शर्मा जी ठीक है। मनोज लाल जी, मनोज लाल जी, मनोज लाल शर्मा जी, मनोज लाल जी, आप बर्दाश्त कर सकते हो इंदिरा गांधी को, आपके नेता पूर्व हो जाएंगे, आपके नेता पूर्व हो जाएंगे। देश में जब गद्दारी की बात चलेगी, देश में जब नक्सारों का साफ बात चलेगी, आपके नेता का नाम लिया जाएगा। जब देश में रक्षक और भक्त की बात चलेगी, तब आपके नेता का नाम लिया जाएगा। जब सुशासन के बारे में चर्चा होगी, तो सुशासन डुप्लीकेट का नाम लिया जाएगा। राज शर्मा जी ठीक है। मनोज लाल जी, अपनी बात रखिए, आराम से रखिए। मनोज लाल जी बोलिए, ठीक है। राज शर्मा जी चुप रहिए, एक तो इन्हें कहिए कि बदतमीजी से ना बोले, नहीं आराम से बोले, संयम से बोलिए, थोड़ा बीपी हाई है आपका, राज शर्मा जी, इस तरह बहस कैसे आगे बढ़ पाएगी। राज शर्मा जी शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। मनोज जी बोलिए, मनोज लाल जी बोलिए, ठीक है। मनोज लाल जी ठीक है, शांत हो जाइए, ठीक है। तब तक मैं कैप्टन आसिफ भदौरिया साहब, अभी खबर आई है कि तेजस्वी यादव की पार्टी के दो विधायक गायब हैं। आप लोग ये कोशिश कर रहे हैं लगातार कि उनके विधायक भी आपके पाले में आ जाएं? देखिए नवीन जी, भारतीय जनता पार्टी के द्वार हरदम खुले रहे, अगर हमारी कोई विचारधारा से आता है तो बिल्कुल उसके लिए स्वागत है, हम किसी को मना नहीं करेंगे, मगर हमारे विधायक तो आप देखो, हमने कहीं कोई कैद नहीं किए, अब इनके यहाँ कैद करके ताला लगा के रखे जा रहे हैं, किसी को बिहार से बाहर हैदराबाद भेजा जा रहा है, उसके बाद भी अगर इनके विधायक भाग रहे हैं तो ये तो मैं तो ये कहूंगा कि अभी जैसे हमारे मित्र राज शर्मा छोटे भाई है, अभी कह रहे थे कि बिकाऊ ना कहे, अरे भाई आपके बिक जाते हम क्या करें, और आप तालाबंदी करते हो, बाड़बंदी करते हो, फिर भी वो भाग जाते हैं, बिक जाते हैं, तो आप इसमें आपकी कमजोरी है, आपकी पार्टी की कमजोरी, हमारी कोई कमजोरी नहीं है, हम तो सबका स्वागत करेंगे। लेकिन आप खरीदते क्यों हैं कैप्टन साहब, जो आप खरीदते क्यों हैं, अगर आप खरीदेंगे तो क्यों बिकेंगे वो, स्वागत है, आप खरीदने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? नहीं, हम किसी को नहीं खरीदते, हमारे यहाँ तो खुला दरवाजा है, भगवान का, ये तो प्रभु का मंदिर है, जब आप खरीदेंगे तो बिकेंगे कैसे? प्रभु विधायकों को मीटिंग के बहाने बुलाया, उसके बाद ताला लगा दिया, बोले यहाँ से कोई निकल के नहीं जाएगा, तो विधायकों ने कहा हमारे तो कपड़े भी नहीं है, तो उनके कपड़े मंगा लिए गए मगर उनको जाने नहीं दिया गया, तो अब इतनी सुरक्षा करने के बाद भी इनके विधायक इनके पास नहीं टिक रहे और इनका साथ छोड़ के भाग रहे,
तो इसका मतलब ये है कि इनके अंदर विधायकों की आस्था नहीं है, वो प्रभु राम में अपनी आस्था रखते हैं, और देश में शायद ही कोई होगा जो प्रभु राम में आस्था नहीं रखता होगा, कांग्रेस के अलावा, जो कांग्रेस में आस्था है। ठीक है, ठीक है, ठीक है कैप्टन साहब, बात आ गई आपकी, ठीक है कैप्टन साहब, बात आ गई, यही नहीं कल्पने के है। ठीक है, ठीक है, राज शर्मा जी बोलिए, राज शर्मा जी बोलिए। मैं दो बातें बोलना चाहता हूँ भदौरिया जी के लिए, भदौरिया जी मतलब बीजेपी, और मनोज भाई आप व्यक्तिगत नहीं है, बीजेपी। मैं दो बातें कहना चाहता हूँ, एक कानून है कि चोरी का माल खरीदने वाला और बेचने वाला दोनों अपराधी होते, तो अब बताएं आप। दूसरी बात ये, मैं कहता हूं कि मुझे राम लाए, इस जो मैं आज आपसे बात कर रहा हूं ये राम लाए मुझे और मैं बोलने लगा। अब ये बता दीजिए आप क्या राम को लाए हो, इतना जवाब दे दीजिए भाई, भदौरिया जी से इतना ही जवाब चाहिए। और मनोज भाई गुस्सा आपको नहीं होना है, बिल्कुल नहीं होना है, कुछ हो गया कोई पार्टी जवाब नहीं देगी, मैं बता रहा हूँ, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं, आप परेशान में कुछ नहीं होगा उनको, विश्वास है, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। अरे लालू का साथ, मनोज लाल जी स्वस्थ हैं और उनका कुछ नहीं होगा। अरे कौन झूठा बोलता है, मैंने कुछ नहीं कहा, अगर आज तक किसी दिन ठोक कर ये चले जाओगे, खड़े खड़े आज तक होगा। अरे मनोज भाई आपके स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, स्वास्थ्य की बात कर रहे, ठीक रखो मनोज भैया, जिस दिन सामने आओगे और तुम एक बात कर बेटा तो आओ कल पटना, तुमको बोलने का ढंग नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, राज शर्मा जी व्यक्ति टिप्पणी नहीं करेंगे, राज शर्मा जी नहीं करेंगे, तुम धमकी देते हो, के बेटा जन्मे हुए बोलने का ढंग नहीं है, पार्टी नहीं काम देगा तुमको, पार्टी काम दे देगा तुमको, राहुल बता देगा तुमको, ठीक है, आप लोग व्यक्तिगत बातचीत बाद में करिएगा, वक्त ब्रेक का है, ब्रेक के बाद लौटेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। पंजाबियों दी शान पंजाब दा पुत भगवंत मान, लाए हन आप दी सरकार आप दे द्वार, सरकारी अधिकारी तुहाडे पिंड आके तुहाडियां मुश्किलां दा करनगे हल। सरकारी सेवावां नूं पंजाबियां दे घर घर पहुंचाउण दे उद्देश दे नाल मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान दे वल्लों सरकार तुहाडे द्वार स्कीम दी शुरुआत कीती गई है, जिस तहत पंजाब सरकार सारे पिंडां दे विच सरकार तुहाडे द्वार अधीन लोक सेवा कैंप लगाउण जा रही है। इन्हां कैंपां दे विच पंजाबियां नूं जन्म ते मौत सर्टिफिकेट, बिजली दे बिल दी अदायगी, ड्राइविंग लाइसेंस, जाति ते पेंशन सर्टिफिकेट आदि वर्गियां सेवावां दा लाभ मौके ते ही दित्ता जावेगा। शहीद आजम सरदार भगत सिंह होरां जी दे सुपनिआं नूं साकार करन लई पंजाब सरकार ने फैसला कीता कि पंजाब दे लोकां नूं हुण सरकारी दफ्तरां दे गेड़े नहीं कढ़ने पैणगे, सरकारी दफ्तर खुद चल के तुहाडे घर आउणगे। सो पंजाबियों तुहाडी आप दी सरकार हुण तुहाडे आप दे द्वार आ रही है, वध तो वध इन्हां कैंपां दे विच शमूलियत करके सरकारी सेवावां दा लाहा लो, रंगला पंजाब दा सुपना सच करके दिखाया। पंजाब दे पुत भगवंत सिंह मान ने सरकारी सेवावां नूं घर घर पहुंचाया। राजधर्म आपका बहुत बहुत स्वागत है। देश की राजनीति बिहार पर आ गई है, बिहार में कल नीतीश सरकार का फ्लोर टेस्ट होना है, उससे पहले सियासी गहमा गहमी बढ़ी हुई है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान है, कैप्टन आय सिंह भदौरिया साहब प्रवक्ता बीजेपी के हैं, राज शर्मा जी प्रवक्ता कांग्रेस के, मनोज लाल मनु जी जेडीयू के प्रवक्ता हैं, डॉक्टर अजय तिवारी राजनीतिक विश्लेषक। डॉक्टर तिवारी, जिस तरह से आपने सुना, हर प्रवक्ता की बात सुनी, आप एक विश्लेषक हैं और संतुलित नजरिए से अपनी बात रखेंगे, ये बताएंगे कि बिहार में जो घटनाक्रम चल रहे हैं उसका देश की राजनीति पर क्या असर आपको होता दिखाई दे रहा है, एक तरफा बातचीत से बचेंगे उम्मीद है। आदरणीय पांडे जी,
भारत देश में का विकास हो, तो क्यों चाहती है आज बताता हूं मैं आपको। भारत देश के प्रथम राष्ट्रपति, भारत देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कहना, बिहार वो धरती है जिस धरती पर पंजाबियों के गुरु गोविंद सिंह, बौद्ध धर्म, एक से एक यूनिवर्सिटी, एक से एक कॉलेज हुआ करता था। ये लालू और नीतीश इन दोनों ने मिलकर के 35 साल तक बिहार को नर्क में रखने का काम किया। आज भी बिहार में ढंग की इंडस्ट्री नहीं है, आज भी बिहार में ढंग का अस्पताल नहीं है, आज भी बिहार में ढंग का रोड नहीं है, आज भी बिहार में रोजगार नहीं है, जिसकी बदौलत बिहार के लोग जो करोड़ों में हैं, वो तो भारत देश के अन्य राज्य में प्रवासी जिंदगी बिता रहे हैं। लेकिन डॉक्टर तिवारी नीतीश कुमार जी को तो सुशासन बाबू बोलते थे, सुशासन के बहुत सारे काम किए उन्होंने वहां पर बिहार में, डेवलपमेंट भी किया। सुशासन पाणे जी, काहे का सुशासन? अरे वो दोगलापन कि अपने कसम खा रहे हो कि हम कहीं नहीं जाएंगे। तो तुम दोगलापन करता बोलता है, मनोज लाल जी अभी आपको मौका दूंगा। नीतीश कुमार का तिवारी व्यक्तिगत टिप्पणी मत करिए किसी पर भी, इस शो में व्यक्तिगत टिप्पणी के लिए कोई जगह नहीं है। बिल्कुल इस तरह की डिबेट जो है, इस तरह की बातचीत जो है बर्दाश्त नहीं किया सकती बिल्कुल भी। चलिए ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। पंजाब देश का पहला सूबा बन जा रहा है जिस सूबे को सड़क ते एक्सीडेंट, सड़क ते कोई होर किस्म के क्राइम नू रोकण वास्ते अलग फोर्स बनाई जा रही है, SSF सड़क सुरक्षा फोर्स। हर 30 किलोमीटर बाद एक गड्डी थानू आउंदी है जांदी मिलूगी, कोई ट्रक खड़ा खराब होया उनू पुल करके उनू खिंच के साइड से कर दिया जाऊगा, क्योंकि गड्डिया इतनी तकड़िया ने, दुबई भी पुलिस को गड्डिया टोयोटा हिलक्स कंप्यूटर फिट है सारे, इंपैलेंट जेडे हस्पताल ने ट्रोमा सेंटर ने उन्होंने अटैच है हर गड्डी। इस बार SSF करके किनिया मौत घट गई, हर महीने का डाटा दिया करांगे, जे 50% भी घटा लिया 3000 बंदे की जान बच जूगी जी, 3000 बंदे की। आपां पंजाब नूं सब तो सेफेस्ट स्टेट बनाउणा है। ब्रेक बाद राजधर्म में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज चर्चा कर रहे हैं बिहार की, जहां नीतीश सरकार का कल फ्लोर टेस्ट होना है, उससे पहले सियासी गहमा गहमी बनी हुई है। मनोज लाल मनु साहब,
आप से जानना चाहेंगे, कल जब फ्लोर टेस्ट के लिए नीतीश सरकार सामने आएगी तो आप लोग विधानसभा अध्यक्ष के लिए जो है अविश्वास प्रस्ताव लेके आएंगे, क्योंकि आप पहले उनको हटाना चाहते हैं, तो क्या क्या प्रोसेस रहेगा थोड़ा बता दीजिए जरा। देखिए, अविश्वास प्रस्ताव तो दिया हुआ है नवीन जी, कल सारे विधायक जुटेंगे, अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान होगा तो मतदान होगा। हम जनता के विधायकों के आकांक्षा पर है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी पार्टी के विधायक को हम तोड़ रहे हैं, जोड़ रहे हैं। हम अपने जो हमारे एनडीए के विधायक है, जो हमारी संख्या है 128 को, उसी को एक करने में हम लोग लगे हुए हैं, और उसमें सारे विधायक हमारे साथ हैं। जब हमारी संख्या 128 है तो हम विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव आएगा उसको भी हम लोग जीत लेंगे, और सरकार को विश्वास मत हासिल करना, जीत लेंगे। अंगणित हमारा है, हम न किसी दल के विधायक को लाने में लगे हैं, न खरीदने में लगे हैं, न उनको अपने पालने में लग रहे हैं। कोई अगर आ जाते हैं तो उनकी अलग बात है, हम अपने हिसाब से अपने विधायकों के बल पर, एनडीए के विधायकों के बल पर ही, जदयू के, भाजपा के और हम पार्टी के विधायकों के बल पर ही हम अविश्वास प्रस्ताव भी जीतेंगे और सरकार का विश्वास मत भी जीतेंगे। इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। बाकी किनके विधायक किसके दरवाजे में बंद है, कौन हवाई जहाज में यात्रा कर रहे हैं, उनसे हमारी पार्टी को कोई लेना देना नहीं। ठीक है, राज शर्मा जी जवाब दीजिए। मैं मनोज भाई की एक बात कहना चाहता हूं। मनोज भाई, आप किसी को क्या खरीदोगे? आप तो खुद बिके हुए हो, आपने तो अपने जमीन को बेच दिया। आपसे मतलब आपकी पार्टी ने, बताओ आप किसको खरीदोगे? झूठ मत बोलना, झूठ का जो पाप है वो अगले जन्म में मिलता है। मैं सही बता रहा हूँ आपको, मतलब ये व्यक्तिगत नहीं है पार्टी का। आप ये बताइए, आप तो खुद बिके हुए हैं। हम तो अपने बिके हैं। आगे बढ़िए, एक ही बात को बार बार क्यों बोल रहे हैं? आगे बढ़िए ना, मेरे 45 है। कोई नहीं, मैं आज एक वादा करता हूँ, कल नीतीश कुमार की सरकार, सॉरी नीतीश कुमार जी की सरकार, जी लगाना, मेरे संस्कार कहते हैं जी लगाना, नीतीश कुमार जी की, मैं क्षमा चाहता हूं नीतीश कुमार का, नीतीश कुमार जी की सरकार कल गिर जाएगी और झूठ का झूठ पानी का पानी हो जाएगा। और मनोज भाई, आज इतना मत बोलो। ठीक है राज शर्मा जी, ठीक है कैप्टन साहब, ठीक है कैप्टन साहब, ठीक है मनोज जी ठीक है। आप भी घोषणा कर दीजिए कि नीतीश की सरकार बच जाएगी, मनोज जी, तो किसी डिबेट पर आप नहीं आएंगे, जनता को मुंह नहीं दिखाएंगे। मनोज जी कर दीजिए, हमने तो घोषणा कर दिया कि अगर नीतीश की सरकार गिर जाएगी तो मैं कभी डिबेट पर नहीं आऊंगा, पार्टी से रिजाइन दे दूंगा। ठीक है, बड़ी बात कह दी है। ठीक है कैप्टन साहब जिस तरह के बिहार में सियासी हालात हैं, ठीक है, चलिए मान लीजिए कल आप फ्लोर टेस्ट जीत जाते हैं, उसके बाद बिहार में मुकाबला फिर लोकसभा चुनाव में होना है, जिस तरह विपक्ष लगातार एकजुट हो चुका है वहां पर आपके खिलाफ, मुसीबतें तो आएंगी आपको बिहार में। देखिए नवीन जी, बिहार में इस टाइम जो माहौल बना है वो पूरा एनडीए के फेवर में आ रहा है। जिस तरह से थोड़े दिन जो है नीतीश जी हमारे साथ मिलकर चुनाव लड़े थे और हमारे साथ उनकी शुरू से ही विचारधारा मिलकर रही है, बीच में ठीक है हो सकता है कोई कारणवश चले पेशियां हमारी भी होंगी, उनकी भी होगी, जो भी होगी, मगर उनको लगा कि जहां हम गए थे वो गलत जगह पे गए, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से बिहार का विकास करना चाहा था वो लालू जी की पार्टी से उनका तालमेल न खा के बिहार का विकास नहीं हो पा रहा था। हमारे साथ थे तब बहुत अच्छा बिहार में विकास चल रहा था, और बिहार का जो भी वहां प्रशासन था, गुंडा राज था, वो नीतीश जी ने बिल्कुल वहां खत्म कर दिया था। तो नीतीश जी वो ही चाह रहे थे, मगर वो जो है ना लालू जी की पार्टी तो शुरू से ही इस बात में फेमस रही है कि बिहार में जब तक गुंडा राज नहीं हो तो आज कौन जानेगा कि आरजेडी की सरकार है। आपने देखा होगा कि नीतीश जी के शासन काल में ही अभी जब आरजेडी के साथ में एक बदमाश 20 किलोमीटर तक रोड पे फायर करते हुए चला जाता है, मगर उसको पकड़ा नहीं जाता है क्योंकि वो लालू जी का खास आदमी था, पकड़ कैसे लोगे आप?
तो इन चीजों से बिल्कुल नीतीश जी त्रस्त थे और इसीलिए नीतीश जी ने इस पार्टी को छोड़ा। और नीतीश जी हमारे शुरू से हमारे साथ में रहे थे, उन्हें मालूम था कि अगले बार बिहार में अगर हम चुनाव लड़ेंगे इनके साथ तो ये तो डूबी रहे, कहीं ना कहीं इनके छींटे हमारे ऊपर भी पड़ेंगे। तो नीतीश जी इस बात को समझते थे और वो पुनः हमारे साथ आए। ठीक है कैप्टन साहब, ठीक है, ठीक है। तो कल बिहार के लिए बड़ा दिन है, कल नीतीश कुमार का फ्लोर टेस्ट है और देखना है बिहार की सियासत किस ओर जाती है। वक्त छोटे से ब्रेक का है, आप सभी मानों का बहुत बहुत धन्यवाद। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।